जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम आपको माँ बगलामुखी की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बगलामुखी जयंती पर सुनी जाती है। इस बार बगलामुखी जयंती 9 मई 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है। माँ बगलामुखी के कई स्वरूप हैं। कहते हैं कि देवी बगलामुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी त्रिनेत्रा हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, पीले वस्त्र धारण करती हैं। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। माता के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। माता विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। माता देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली हैं। माता ने अपने बाएं हाथ से दैत्य की जीवा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। देवी के इस जीवा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा शव पर ही आरूढ़ हैं तथा दैत्यों या शत्रुओं की जीवा को पकड़ रखा है। युद्ध में विजय दिलाने और वाक शक्ति प्रदान करने वाली माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। माँ देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाशक उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अंत आप उनके शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करने लगे। भगवान विष्णु ने तप करके महाशक्ति को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या भगवती बगलामुखी जी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को इक्वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। माता बगलामुखी की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांत कर्म में धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्ति करने हेतु देवी उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। माता का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं।
माता वचन या बोल चाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकाल कर सही करती हैं। हे माँ बगला मुखी, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो इसका मान करना। तो बोलो जय माँ बगला मुखी की।